Come here, come in. Come in? हाँ. आपको परमिशन की क्या जरूरत है मिस पुट? परमिशन तो मुझे आपसे लेनी चाहिए. अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो हम बात कर सकते हैं प्लीज. ऑफ कोर्स सर, इसीलिए तो आपने मुझे यहाँ बुलाया ना. प्लीज गो अहेड. राइट, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको यहाँ तक बुला लिया. इनफैक्ट मुझे आपके टेबल तक आना चाहिए था. राइट, आई प्रॉमिस अगली बार से मैं आपके टेबल पे आके बात करूंगा, वहीं पे सारी बातें करेंगे. अब आफ्टर ऑल इस ऑफिस की मालकिन तो आप ही हैं. सारा का सारा काम, मीटिंग्स, तब आप ही के हिसाब से तो हो रहा है. सर, आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. राइट मिस पूर्ति, आपको कैसे समझ में आएगा? आपको वैसे भी आज तक कुछ समझ में आया है? नो राइट. आज कौन सी तारीख है? यू रिमेंबर राइट? हमारी जुनेजा हाउस के साथ मीटिंग, समथिंग, यू रिमेंबर? हाँ सर, वो मीटिंग होने वाली थी ना, लेकिन मैंने वो पोस्टपोन कर दी. और मिस्टर जुनेजा को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. व्हाट? आपने वो मीटिंग कैंसिल कर दी, वो भी मुझसे बिना पूछे? नहीं सर, कैंसिल नहीं, मैंने कहा मैंने पोस्टपोन कर दी. एक्चुअली वो मुझे एक पर्सनल काम था, इसलिए मैंने. मिस पूर्वी, आपको जस्ट बिकॉज एक पर्सनल काम था आपने ये मीटिंग कैंसिल कर दी? लेकिन मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए. आपको लगता क्या कि मैंने आपके साथ दो मीठी बातें क्या कर ली, मंदिर चला गया, पूजा कर ली, इसका मतलब आप जो चाहेंगी वो करेंगे? आपको सारी की सारी राइट मिल चुकी है, इज इट? लुक एट मी मिस पूर्वी, आप इस ऑफिस में कोई भी डिसीजन लेंगी और मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, इज दैट इट? लेकिन सर, दैट इज इट. एक बात कान खोलकर सुन लेना मिस पूर्वी, मैं अपना एटीट्यूड किसी के लिए नहीं बदलता, आपके लिए भी नहीं. और इस ऑफिस में मैं आपका बॉस डायरेक्ट. सर, मैं कुछ नहीं भूली हूँ. इनफैक्ट मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, जबकि मैं. That is it, Miss Pooni. Out of my cabin right now. I said leave. अरे तेज, जरा यहाँ देख मैंने सही लगाया कि नहीं. मैं लगवा देती हूँ आपके साथ ये. जैसे देख ना, वैशाली अभी तक नहीं आई, पता नहीं क्यों इतनी देर हो गई. अरे मासी आ गई. मासी, मासी लाइए, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए. थैंक यू. और ये अनिकेत का है? वो मार्केट में कुछ काम था, वो रह गया. अच्छा आइए, सारा सामान चेक कर लो ना, कुछ रह गया हो तो मैं फिर लेके आती हूँ. रिक्शा रोक कर रखी है मैंने. अरे जितना आया है उतना काफी है. ठीक है, मैं रिक्शा वाले को पैसे दे के आती हूँ. अच्छा पूर्वी को फोन करना, देखना वो कहाँ है. अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था. हाँ तेज. हेलो पूर्वी, कहाँ है तू? तेज, मैं अभी भी ऑफिस में ही हूँ. वो अभी तक ऑफिस में है. मुझे दे फोन. नहीं नहीं नहीं, रुक रुक रुक, सुन, आई को फोन मत देना, वो खामा का परेशान हो जाएगी. उसे बस इतना कह दे कि मैं ऑफिस का काम खत्म करते ही निकल रही हूँ. ठीक है, बाय बाय बाय, जल्दी आ जाना. क्या हुआ, दिया क्यों नहीं फोन? क्या कह रही है वो? वो कह रही है वो जल्दी से ऑफिस से काम निपटा के यहाँ पे आ जाएगी. और वैसे भी यहाँ पे आके उसका कोई काम थोड़ी ना है, उसको तैयार होना है, यहाँ पे खड़े होना है डॉल की तरह. लड़के वाले हाँ बोलेंगे, शर्मा के अंदर भाग जाएगी. कोई काम नहीं है उसका, सारा काम हमारा ही है. चलो काम में लगते हैं. चलो चलो चलो. बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वो आप मुझे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? देखिए पापा, अगर आप चाहते हैं कि हम ये केस हार जाए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं क्विट कर देता हूँ. सचिन बाबा, मैं जानता हूँ कि आप अर्चना जी के घर जा रहे हैं और आपकी कोशिश साफ जाहिर करती है कि आप खुद इस शादी को बचाना चाहते हैं. नहीं सचिन, तुम मुझे गलत समझो. मैं अर्चना के नहीं, पूर्वी के घर जा रहा हूं. और मेरे वहां जाने का मकसद अपनी शादी बचाना नहीं, बल्कि पूर्वी की शादी करवाना है. मेरे लिए मेरे ईगो से बढ़कर पूर्वी का भविष्य मायने रखता है. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, मैं पूर्वी के घर उसके पिता के नाते नहीं बल्कि इंसानियत के नाते जा रहा हूं.
अगर मेरी वजह से उसका रिश्ता तय होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जानता हूं कि तुझे अपने बाबा की बहुत फिक्र है, तू चिंता मत कर, तेरी तरह मैं भी जल्द से जल्द अर्चना से अलग होना चाहता हूं। ठीक है बाबा, मैं आपको वहां तक ड्रॉप कर देता हूं। चल। आप बहुत भोले हैं बाबा, आपको पता भी नहीं चलेगा और अर्चना जी फिर से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, इसलिए मुझे हर कदम पे आपके साथ रहना होगा, आपकी और मेरी श्रावणी की खुशी के लिए, ये जरूरी है। हद हो गई, अभी तक पूर्वी नहीं आई, अब कब आएगी, कब तैयार होगी? आ जाएगी, हमारी तरफ से तो सारी तैयारियां हो गई है ना। हाँ सब ठीक है, लगता है पूर्वी आ गई। हाँ, जा। विनय। नमस्ते। नमस्ते, आओ आओ अंदर आओ। आप लोग प्लीज बैठिए ना। आई आई अर्चना जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। दरअसल पूर्वी अभी तक ऑफिस से नहीं आई, पता नहीं कैसे आज अचानक उसको ज्यादा काम आ गया तो। अरे कोई बात नहीं है, आखिर काम काम होता है ना, उसे भी तो अहमियत देनी पड़ती है ना। और मुझे तो पूर्वी जैसी इंडिपेंडेंट लड़कियां बहुत पसंद है, अपनी मेहनत और काबिलियत से अपने सपने साकार करने की हिम्मत रखती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी लड़कियों को सहूलत देनी चाहिए। एक्चुअली आज मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी, मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो पूर्वी पर काम का एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया होगा। नहीं विनय, ऐसी कोई बात नहीं है, वो काम संभाल लेगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। मैंने अभी पूर्वी को फोन किया था, वो बस निकल ही रही हूँ। विनय और उसके पेरेंट्स यहाँ आ चुके हैं, तुम कहाँ हो? मैं अभी भी ऑफिस में हूँ, काम में फंसी हूँ, पता नहीं कब निकल पाऊंगी। आंटी वो पूर्वी का मैसेज आया है, वो अभी ऑफिस में ही है, वो किसी जरूरी मीटिंग में फंस गई है। इट्स ओके, मैं पूर्वी के काम करने का स्टाइल जानता हूँ, उसे अक्सर ऑफिस के काम के सिलसिले में वही रुकना पड़ता है, और हो सकता है शायद वो अभी से ही मुझे इसकी प्रैक्टिस करवा रही है। अरे आप लोग लीजिए ना कुछ लीजिए। अरे यार कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दुनिया में, वहाँ वो काम में फंसी है, यहाँ ये टेंशन में है। आई जस्ट होप कि पूर्वी वक्त पे आ जाए, कम से कम इन लोगों पे बैड इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा। बाबा अर्चना जी का घर आ,
नहीं बाबू, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। और मैं तुझे अंदर आने के लिए फोर्स भी नहीं करूंगा। लेकिन बेटे तू चिंता मत कर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। एक्चुअली सचिन, मैं नहीं चाहता कि पूर्वी किसी। इट्स ओके बाबू, मैं समझता। हे बप्पा, आज ही कहती है अगर सच्चे दिल से आपसे कोई कुछ मांगे तो उसे मिल जाता है। आज मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आज पूर्वी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं चाहती हूँ आज उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए आप उसके बाबा को जल्दी से यहाँ भेज दें। के लिए मुश्किल से मुश्किल लड़ाई तक लड़ लूंगा। आपको जो करना है आप कीजिए दादा, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूं। ढंग से बात कर चल। ए, ढंग से क्या बात करूं? दिखाई नहीं दे रहा, खड़ी गाड़ी ठोक दी तूने। मैंने बोला था बीच में गाड़ी खड़ी करने को। बीच में मैंने गाड़ी खड़ी की? एक मिनट, क्या हो रहा है सब? ये बेटा है मेरा। ये आपका बेटा है? हाँ। इसने खड़ी गाड़ी ठोक दी, गलती मानने की बजाय ये हाथापाई पे उतरा। इसको अवलदार साहब, इसको पुलिस स्टेशन ले चलो। एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना। एक मिनट आप चुप रहिए। बहुत गर्मी तेरे अंदर, चल पुलिस स्टेशन, चल गर्मी निकाल। आप ही दिखाते मेरी बात तो सुनो। एक मिनट, मैं भी चलता हूँ साथ में। आप ही बैठिए। सॉरी बाबा, मुझे जानबूझकर ये एक्सीडेंट करना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप पूर्वी के घर जाकर अर्चना जी के साथ वक्त बिताते, और मैं नहीं चाहता था कि इस बहाने अर्चना जी को एक भी मौका मिले आपके करीब आने का। आपको उससे दूर रखने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पूर्वी चलोगी नहीं? नहीं, अभी मेरे को थोड़ा काम करना है, आप जाइए। देवा क्या करूं, यहाँ खड़ूस मेरी जान खा रहे। और यहाँ हेलो हेलो पूर्वी, कहाँ है तू? तुझे पता है विनय के पेरेंट्स आए हुए यहाँ पे, सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं। तेज मैं अभी भी ऑफिस में ही हूँ। ऑफिस में कब निकलेगी? मुझे पता है यहाँ पे वाकई में सिचुएशन बहुत सीरियस है। एटलीस्ट मुझे तो कोई एग्जैक्ट टाइम बता दे, मैं यहाँ पे सबको मैनेज कर लूंगी। तेज वही तो प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानती मुझे कितना टाइम लगने वाला है। यहाँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करूँ। अगर मुझे पहले पता होता ना कि इतनी देर होने वाली है तो मैं देखने दिखाने का प्रोग्राम प्लान ही ना होने देती। पूर्वी, लेकिन वो लोग यहाँ आ चुके हैं, अब क्या करना है? आई देख, मैं जानती हूँ सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है और उनके सामने तुझे मुझे डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन प्लीज थोड़ी देर मैनेज कर ले। हाँ पूर्वी देख, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ? वो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं तेरा। बस थोड़ी देर और मैनेज कर ले प्लीज। तू कहे तो मैं अर्जुन सर से बात करके देखूं। नहीं 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 आई, सुन उसकी कोई जरूरत नहीं है, खामखा वो तुझे चार बातें सुना देगा। देख मैं जल्दी से जल्दी काम खत्म करके बस निकल रही हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है पूर्वी, लेकिन प्लीज जल्दी आने की कोशिश कर, वो लोग तेरा इंतजार कर। हाँ आती हूँ, जल्दी आ, बाय। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चिल कीजिए, यहाँ पे बैठिए, पानी वानी पीजिए, तब तक मैं बाहर मेहमानों को अटेंड कर। थैंक यू।
क्यों नहीं आया अब तक? अब तक तो उन्हें यहाँ जाना चाहिए। अभी तक तो विनय के माँ बाप ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन फोन करके देखती हूँ। बाबा वो पूर्वी के रिश्ते के लिए। इट्स ओके बेटा, पहले ये मामला सुलझ जाए फिर देखेंगे। बाबा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी हैंडल करना है अर्चना जी और उनकी आई हैंडल करेंगे। पूर्वी, मैं चाहता हूं कि तुम्हें एक अच्छा भविष्य मिले, लेकिन उसके खातिर मैं अपने भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकता। अपनी फैमिली के लिए मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मुझे ही निभानी होंगी, तो इसलिए मेरे बाबा उस इमोशनल डील का हिस्सा नहीं बने। शायद मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ मानव से, गलती हो गई। तो मलिक, आपके कहने पे मैंने वो टेंडर भरा है, थैंक यू सो मच। वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल चुका है। सब राइट सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात। नो प्रॉब्लम, आपका काम कल शाम तक हो जाएगा 200%। राइट, थैंक यू मिस्टर मालिक। आई एम फोन मिस पूर्ण। सर मुझे अभी इसी वक्त घर जाना है। ओके, तो अपना सारा का सारा काम खत्म कीजिए और घर जाइए। वैसे भी मिस्टर मालिक ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट भेजे। सर मुझे इसी वक्त घर जाना है, मेरा एक पर्सनल काम अटका पड़ा है। हाउ अगेन? तो मिस पूर्वी एक पर्सनल काम को प्रोफेशनल काम से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही। वेल, डू यू रिमेंबर आपका चैलेंज इस ऑफिस को ना छोड़ के जाने का? सर मैं कुछ नहीं भूली हूँ, वहां पे मेरे घर पे मेरे रिश्ते की बात चल रही है सर। मेरी आई, मेरी आजी और वो लड़के वाले मेरा वेट कर रहे हैं और मैं सुबह से लेके अभी तक ऑफिस में ही हूँ। आपके रिश्ते की बात, सो अगर ऐसा ही कुछ था तो आप मुझे पहले बता देती। मैं सॉरी सर, लेकिन मैं अपनी हर पर्सनल बात आपके साथ शेयर करना जरूरी नहीं समझती। और ये बात आपको इन्फॉर्म करने की तो मैं आपको कर चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ। राइट मिस पूर्ण, तो इसका मतलब आप हार मान चुकी हैं, इज़न्ट? वेल, अगर आप आपने हार मान ही ली है तो अपना रेजिग्नेशन मुझे देते हुए जाइए प्लीज। हार? आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन हार या जीत अपने बराबरी वालों के साथ होती है, और मैं आपको तो अपनी बराबरी का समझती नहीं। पहले मैं आपको एक वर्कहोलिक इंसान समझती थी और शायद इसीलिए आपकी हर गलत हरकत को टॉलरेट करती आई, लेकिन आज मुझे कंफर्म हो गया कि आप सब वर्कहोलिक नहीं बल्कि एक इमोशनलेस और इनह्यूमन इंसान। मैं आप जैसे इंसान के साथ तो काम कर ही नहीं सकती सर। और आप रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं ना, मैं अभी इसी वक्त इस जॉब से रिजाइन करती हूँ। ग्रेट मिस पूर्वी, तो एक काम कीजिए, अपना रेजिग्नेशन मुझे लिख कर दे दीजिए ताकि इस ऑफिस में सबको पता चल सके कि वो रेजिग्नेशन आपने खुद दिया है, मेरी वजह से नहीं। आपकी स्टुपिड सी शर्ट की वजह से ना, मैं अपनी आई को चार लोगों के सामने शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। मेरी शादी मेरी आई का सपना है सर, मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी लेकिन अपनी आई का सपना टूटते हुए मैं नहीं देख सकती। क्या हुआ मिस पूर्वी? आई एम श्योर मिस पूर्वी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखना है क्या नहीं, राइट? आई एम श्योर इट्स ओके। अक्सर ऐसी सिचुएशंस में दिमाग और हाथ दोनों काम करना बंद कर देते। आई विल हेल्प यू। लिखिए, आई मिस पूर्वी देशमुख वुड लाइक टू इन्फॉर्म द एक ही ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज दैट हियर आफ्टर आई विल नॉट कंटिन्यू any of my professional responsibility. Signature. Good. Mera resignation letter. Words alag hai lekin meaning wahi hai.